नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं एसआरबी न्यूज। रुख करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ के दौरान लूट की घटना में वांछित चल रहे लुटेरे को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत हाथरस गेट पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान एक सराफा व्यापारी से हुई लूट की घटना में वांछित चल रहे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए साथी अपराधी के पास से अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए लुटेरे का नाम लोकेश, जो मथुरा जिले का रहने वाला है, बताया जा रहा है। पुलिस ने लोकेश के पास से लूटे गए आभूषण भी बरामद किए हैं। थाना हाथरस गेट पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के उपरांत एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। इस लुटेरे द्वारा कुछ दिन पूर्व एक सोनार के साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें इसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। इस लुटेरे के कब्जे से लूट के सोने के आभूषण पुलिस ने बरामद किए हैं। कुछ कैश तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी इस बदमाश के पास से पुलिस ने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त इस बदमाश के कब्जे से अवैध तमच्चा, जिंदा व खोखा कारतूस भी पुलिस को बरामद हुए हैं। यह इसका नाम लोकेश है और ये जनपद मथुरा के थाना बलदेव का मूल रूप से निवासी है और पूर्व में भी इस बदमाश के ऊपर लूट तथा गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में करीब एक दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। इस गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाथरस गेट पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना हाथरस गेट पुलिस। यूपी के मथुरा जिले में गोवर्धन चौराहे स्थित MNT इंटर कॉलेज में करणी सेना की विस्तार कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर करणी सेना के नए पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। आपको बता दें, करणी सेना की स्थापना 2006 में हुई थी। करणी सेना के MP सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि करणी सेना पूरे भारतवर्ष में हर जगह अपना विस्तार कर रही है और आज मथुरा महानगर में भी करणी सेना ने अपना विस्तार किया है। इस अवसर पर 6 लोगों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो बनाया गया है, एक नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर सौंपी गई है, क्या कहोगे? ऐसा है, मुझे जिला अध्यक्ष दिया गया है, मैं बहुत खुशी के साथ इसे निभाऊंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस पद को आगे और इस संगठन को बड़ी मजबूती से आगे लेके जाऊंगा। और बड़ी मुझे खुशी है कि ये पद मुझे सौंपा जा रहा है, जो बिल्कुल लाचार और कुछ नहीं है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, प्रशासन जिनकी नहीं सुन रहा है। शायद कोशिश करूँगा पूरी, मेरा संगठन वहाँ खड़ा रहेगा। आज करणी सेना का विस्तार कार्यक्रम है और जिसमें क्षत्रिय समाज के सबसे उत्तेजित कार्यवाहक कर्मठ जुझारू दिनेश ठाकुर पहलवान जी को जिलाध्यक्ष तहत घोषित किया है। और किस किस को क्या क्या पद दिया गया है आपके द्वारा? अब ये आगे की कार्यकारिणी खुद जिलाध्यक्ष दिनेश ठाकुर जी गठित करेंगे। हमने जो मेन कार्यकारिणी है ब्रजपंत की, उन्होंने आज जिलाध्यक्ष दिनेश जी को घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी के दलित पंचायत में उमड़ी भीड़ के बीच कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। वहीं पिछले दिनों जिले के पलिया गांव में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पंचायत का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है, हर तरफ हिटलर शाही हुकूमत चलाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी दलितों की आवाज़ को दबने नहीं देगी और हिटलर शाही हुकूमत के खात्मे तक गांव-गांव संघर्ष करती रहेगी। बोलिए, पूछिए। पलिया और गोधौरा में जिस तरह दलित परिवार के लोगों के घरों को तोड़ा गया है, महिलाओं को, बच्चों को मारा पीटा गया है, उनके घरों को तोड़ा गया है, 307 जैसी गंभीर धारा में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, सिर्फ उनका दोष यही है कि वो अपने अधिकारों के लिए धरने पर बैठकर अपनी मांगों को कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, दलित भाइयों के अधिकार को छीना जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों
बलिया गांव और गोधौरा गांव के सम्मान की लड़ाई को धरने के माध्यम से लड़ने का काम किया था। आज इस पंचायत के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, सरकार कितनी भी ताकतवर हो, कितनी भी तानाशाह हो, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के साथ साथ जनपद के सभी जिला पंचायत सदस्यों ने टाउन हॉल स्थित ऑडिटोरियम में शपथ ली। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद तिवारी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। इस मौके पर शपथ ग्रहण करने के बाद नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं और ताज कांटों से भरा है, फिर भी मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूं कि मेरे द्वारा पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाएगा। शपथ के साथ साथ विकास की कितना आपने शपथ लिया है बताइए। मुख्य प्राथमिकता क्या होगी आपकी? मुख्य प्राथमिकता क्या होगी? माइक नीचे थोड़ा। जो हमारे पार्टी का नारा है अग्रणी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अध्यक्ष जी, काफी चुनौतियां हैं आपके सामने, कैसे उसको उसका सामना करेंगे? का सामना किया जाएगा अपने सदस्यों को लेकर के, अपने सदस्यों से जो भी हमारे जिला पंचायत में होगा, जिला पंचायत स्तर से होना रोड से। शपथ के साथ साथ विकास की कितना आपने? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में डेल्टा प्लस का मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के निवही गांव के रहने वाले मोहम्मद रफीक, जिनकी उम्र 66 वर्ष बताई जा रही है, जिनकी 29 मई को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी, जिसके बाद जाँच रिपोर्ट में डेल्टा प्लस वेरियंट होने की बात सामने आई है। इस दौरान CMO डॉक्टर आलोक कुमार पांडे के साथ मेडिकल टीम ने निवही गाँव का दौरा किया। उन्होंने संक्रमित के संपर्क में आए लोगों की सूची बनाई है और CMO ने पूरे गांव के लोगों की कोरोना जांच करने का निर्देश दिया है। फिलहाल गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कितने लोग, कितने मरीज आए हैं और क्या कर रहे हैं? डेल्टा प्लस वेरिएंट ये रिपोर्ट आई है। स्वर्गीय रफीक जो 66 साल के व्यक्ति थे, जिनकी तबीयत 7 मई 2021 में खराब हुई थी। तबीयत खराब होने के बाद सबसे पहले उन्होंने वहाँ पर लोकल मेडिकल स्टोर से दवा ली थी। उनको सर्दी जुकाम खांसी था। एक हफ्ते दवा खाने के बाद उनकी तबीयत जब नहीं ठीक हुई तो 13 तारीख को उन्होंने वहाँ स्थानीय प्राइवेट चिकित्सक को दिखाया। उन्होंने जांच करवाया, बिलाल पॉजिटिव आया। उसके बाद इंजेक्शन लगवाया और दवा खाई, कोई आराम नहीं हुआ। तो 16 तारीख को वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर आए थे, वहाँ उनका RT-PCR सैंपल लिया गया, एंटीजन टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आया। वो 16 को वहाँ भर्ती नहीं हुए और 17 को सीधे मेडिकल कॉलेज में आकर के। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर रथ यात्रा शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए राधा कृष्ण मंदिर परिसर पहुंची, जहाँ भगवान शिव और जगन्नाथ जी की आरती हुई। फिर भगवान जगन्नाथ का रथ पुनः अपने मंदिर परिसर में पहुंचता है। वहीं कोविड के संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन कराया गया था, जिसमें भक्तों को रथ पर चढ़ने की इस बार अनुमति नहीं दी गई। कितने वर्षों से हो रहा है? क्या महत्ता इस मेले की? देवाल संत समूह की ओर से ये भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है और मुख्य बाजार से होते हुए सभी कर्मचारियों को दर्शन पूजन करते हैं और खड़ी नाथा गुरु जी के मंदिर तक जाते हैं। इस बार स्थानीय लोगों का प्रसाद वितरण करके वापस। इस बार कोरोना काल को देखते हुए क्या गाइडलाइन जारी किया गया, इसके हिसाब से क्या व्यवस्था किया गया समिति ने? इस बार पूरा मास्क लगाया गया है और दो दूरी अपनाया गया है। यूपी के बाराबंकी जिले के ग्राम पंचायत अमसेरुआ में कोटेदार का ग्रामीणों के साथ सौतेला व्यवहार करने का मामला सामने आया। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कोटेदार द्वारा राशन की घटतौली की जाती है और समय से पूरा राशन नहीं दिया जाता है।
वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि हम इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी महोदय को करेंगे, अगर वहां से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो सीधा जिलाधिकारी को भी प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। और मौके पर ही मौजूद रहे पूर्व प्रधान रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया, 2 से 3 बार कोटा सस्पेंड हो चुका है, फिर भी कोटेदार सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मैं ग्राम प्रधान था हम सरुआ का इससे पहले, अब इस समय धर्मराज रावत जी हैं जो हमारे ही सहयोगी हैं। हमारे यहाँ कोटेदार द्वारा मनमानी की जा रही है काफ़ी समय से, कई सालों से इनके पास कोटा है मोहम्मद असलम के पास, लेकिन वो खुद नहीं आते, उनके लड़के जो हैं मोहम्मद मुनीर वो आते हैं और लोगों से जो है गाली गुफ्तारी में बात करते हैं और लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं देंगे, क्या करोगे, ये जो मैं राशन काटता हूँ यहाँ से लेकर मैं सारे अधिकारियों को देता हूँ, ये है वो, ये सब बताते रहते हैं और कहते विभाग के द्वारा हम मजबूर हैं इसलिए हम देते हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है, ये जानबूझकर ऐसा काटते हैं, हमेशा इनकी आदत थी। अधिकारियों का इसमें कोई दोष नहीं, अभी हम लोगों ने इनको अपने स्तर से कहा है कि घटतौली बंद कर दिया जाए, लेकिन अब हम उच्च अधिकारियों को शिकायत करेंगे प्रधान के द्वारा। मैंने भी कई बार इसकी शिकायत किया था अपने कार्यकाल में, मैंने इसको 3 बार सस्पेंड कराया था। मैं प्रदेश महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, किसान प्रकोष्ठ का, लेकिन मैं पहले एक जनसेवक हूँ, ग्राम सभा का भूतपूर्व जो है प्रधान हूँ और एक जनरक्षक की हैसियत से हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जनता द्वारा जो भी मांग की जाए सही उसका समर्थन करें। ऐसे मैं देखता हूँ कि हम जो शिकायत कल करेंगे SDM महोदय को, उप जिलाधिकारी को, तो आगे क्या कार्रवाई की जाती है उसके बाद हम फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे मीडिया से और आप अपनी बात हम आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? धर्मराज, ग्राम प्रधान हम सरुआ। अच्छा, तो ये बताइए प्रधान, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? हमारे यहाँ समस्या ये है कि कोटेदार अपनी मनमानी करता है। अच्छा। कोटेदार के पास हम लोगों को पठाते तो कहता है प्रधान कौन होता है। अच्छा। 1 किलो के बजाय 2 किलो 3 किलो जस पाता उस काट लेता है राशन, अंगूठा आ जाता है फिर भी वो कहता अंगूठा नहीं आ रहा है, लोगों को भ्रमित करता है, कटौती करता है, कांटे में चाल करता है। अभी तक प्रधान जी आपने कोई एप्लीकेशन या किसी अधिकारी को सूचना दी है? सीधे उप जिलाधिकारी महोदय को दिया जाएगा। अच्छा। अगर यहाँ से काम नहीं हो रहा है तो सीधे DM के पास जाएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? धर्मराज, ग्राम प्रधान अमसरुआ। आपका कौन से काम रहते हैं, क्या समस्याएं हैं आपको ये बताइए? राशन पूरा नहीं दिया था हमको, 25 पर 5 यूनिट है। कितना मिलता है? कितना? 23 किलो दिया था। 23 किलो। वजन किया है आपने? हाँ, वजन नींद करके दिया है। अच्छा, यहीं से 23 किलो वजन हो गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।